अच्छे दिन तो कहा जाता कि हाथी को गोदी में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना और मोदी जी के जुमलों में सच ढूंढना नामुमकिन है। अब सच्चे दिन अच्छे दिन देखिए किस तरह का एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है। पेट खाली है वो कह रहे हैं योगा कर लो, नोटबंदी के बाद कारखानों पे ताले लगे हुए हैं वो कह रहे हैं खाता खुलवा लो, कई कई गांव में माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं तथ्यों के बगैर बोलता नहीं, उनका गोद लिया अपनाया गांव है जयपुर, उसमें बिजली के खंभे जरूर लग गए हैं करंट नहीं पहुंचा, बिजली में गांव में बिजली नहीं है, वो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। अली को बजरंग बली से लड़ाने वाली राजनीति करनी है, उसका गंध उनके दिमाग में भरा हुआ है, कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलवा दें। ये गाड़ी ये कोई बात मेल नहीं खा रहे, मैं देश का युवा हूं, देश की शान बान और आन हूं, वो कहते हैं पकौड़े और पान बेच। पीयूष गोयल जी का बयान आता है CMIE एक संस्था है, उन्होंने कहा त्यागी जी ने भी उसका जिक्र किया और हर रोज डिबेट में करते हैं, कहते हैं कि सन 2018 में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली गई। पीयूष जी कहते हैं नहीं थोड़ा बेटर डेटा चाहिए, थोड़ा डेटा बेटर चाहिए। पीयूष जी डेटा बेटर नहीं चाहिए, बेटर प्रधानमंत्री चाहिए देश को और राहुल गांधी जी। तो रिपोर्ट कुछ कहती है आप कुछ कहते हैं, तभी हमें प्रोफेशनल्स चाहिए ताकि मेरे जैसा युवा, दुर्भाग्य है देश का और फिर युवाओं से अब माफी मांगूंगा, पहले बुजुर्गों से मांगी थी, हमारे लिए इतिहास -10 साल है और +10 साल है। हमारी इतिहास में दिलचस्पी सिर्फ सन 2004 तक है और भविष्य की दिलचस्पी सन 2028 तक है। ट्विटर के 240 कैरेक्टर में सीमित रह गई है। तो प्रोफेशनल्स को घर घर जाके बताना है कि किसी भी चीज से पहले आप उसका सत्य जानिए, आप अखबार पढ़िए तथ्य जानिए फिर प्रश्न पूछिए, क्योंकि भाजपा तो फ्रॉड है। आपने देखा होगा वो क्रीम बिकती है फेयर एंड लवली क्रीम, अरे हम जैसे बने हैं वैसे ही ठीक है, हमें क्यों चाहिए कोई क्रीम, पर जो ये गोरा बनाने वाली क्रीम और भाजपा की टीम दोनों ही फ्रॉड है। अब संविधान की बात करता हूं, ये सच्चे दिन और अच्छे दिन की बात उदाहरण ये है। इंग्लिश डिक्शनरी में एक लेटर है डी, डी फॉर डेमोक्रेसी, डी फॉर डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र और तानाशाही। इस देश में वो क्या फर्क है, वो ऐसी क्या बात है जो हमें एक डिक्टेटर, एक तानाशाही मुल्क से अलग करता है, क्या अंतर है? वो है इस देश का संविधान जो दीवार की तरह डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप बनने से रोक रहा है। जब संविधान बन रहा था, त्यागी जी आप ज्यादा जानते होंगे, जितिन जी आप भी, इसके निर्माता इसके लेखक 85% 85% संविधान के लेखक हिंदू थे, 85% देश आजाद हुआ था। एक प्रश्न उठा कि पहले पन्ने पे हमें भगवान लिख देना चाहिए, तो उन एक जो 85% हिंदू जो लेखक थे उन्होंने कहा नहीं, इस देश में नीति होगी बिना जात पात के भेदभाव से होगी, ये कोई फर्क नहीं होगा कि परमात्मा ने किसको हिंदू किसको मुसलमान किसको सिख किसी को ईसाई बनाया। तो तब एक और विचारधारा चल रही थी संविधान की, तब RSS जो इसने संविधान का विरोध किया, जो कहती थी मनुस्मृति का, तिरंगे का विरोध किया, तो हम उस विचारधारा से लड़ रहे थे। संविधान में लिखा है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों से, मोदी जी का नारा है मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के लिए और मोदी जी से, क्योंकि वो हम वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखते, वो सिर्फ मैं और मैं
सिर्फ वाली राजनीति में शासक और संविधान ये बात करता है। संविधान के तीन पहलू हैं, जिम्मेदारी, जवाबदेही, ये नींव है हमारे संविधान की। दूसरा, इस देश की अखंडता और भाईचारा, सरकारों पे एक दायित्व है कि ये बरकरार रहना चाहिए। तीसरा, भाषण, सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और स्वर्गीय अनंत हेगड़े जी इनके मंत्री हैं, बीमार थे, चल बसे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने सत्य बोल दिया जाते जाते कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए शायद 4.5 साल से मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उनको अब लोकतंत्र से डर लगता है। क्योंकि आप पूछेंगे, भाइयों बहनों मित्रों, नहीं, भाइयों और बहनों के लिए किया क्या, मित्रों के लिए तो सब कर दिया, हमारे लिए क्या किया, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। इसलिए रफेल की जान से घबराई थी मोदी शाह की जोड़ी और रातों रात सीबीआई तोड़ी, क्योंकि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं है, ये जांच मुक्त सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी, फाइलें खुलेंगी, तब देखेंगे कौन कौन सी दौड़ता है और कौन छुपता है। क्यों संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है? क्योंकि संविधान में लिखा था ये संस्थाएं एक आईना होंगी, ये आपकी चापलूस दोस्त नहीं होंगी, ये बीजेपी का पार्टी हेडक्वार्टर नहीं होगा जहां पे मोदी मोदी होगा और हम सब लोग तालियां मारेंगे, नहीं, ये आपको पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। इसलिए सीबीआई को स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आरबीआई के खजानों में इस डकैत सरकार ने डाका डालने का कोशिश कर रही। सीवीसी, जिसे मैं कंट्रोल्ड वॉइस ऑफ द करप्ट गवर्नमेंट कहता हूं, उनको कठपुतली बना दिया। आते ही प्लानिंग कमीशन रद्द कर दी, क्योंकि राजा का नियम है सर झुकाओ नहीं तो सर कटवाओ, पर ये लोकतंत्र का नियम है। लोकतंत्र का नियम है प्रधान सेवक हमेशा सर झुकाए रखो और मेरे प्रश्नों का उत्तर देते जाओ। सभी सच्चे मीडिया से भी इनको डर लगता है। दूसरा, अखंडता। मैं जब बड़ा हुआ, मुझे नहीं पता था मेरे साथ वाला बच्चा हिंदू मुसलमान सिख है कि नहीं, मेरा उससे सिर्फ खेलकूद का रिश्ता था। आज उस स्कूल के बच्चे को भी समझाया जा रहा है तुम्हारे साथ वाला कैसा पहनावा है, तुम उसको कैसे पहचानोगे कि वो हिंदू मुसलमान और सिख है। तभी राजनाथ सिंह जी ने संजय सिंह जी को पता होगा, पार्लियामेंट में रिप्लाई देते हुए कहा सन 2000 फरवरी 2017 में कि जब से भाजपा आई है 33% इस देश में दंगों के हाथ से बढ़ गए, पर अगर मैं पूछ लूं तो मुझे पाकिस्तान जाने को कह दिया जाए। जिस तरह पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, इतना तो पाकिस्तान का कोई टूर ट्रेवल एजेंसी वाला टिकट नहीं बेचता होगा जितना लोगों को पाकिस्तान भेज दिया। ये कर्तव्य भूल गए हैं कि हम बहुभाषी बहुधर्मी मुल्क हैं, पर हमारी सोच एक। और किसी ने खूब ये सोचते हैं कि संविधान मेरा निजी मकान है, और किसी ने खूब लिखा है कि आज जो साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे हुक्मरान, जो आज जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे किराएदार हैं, मर्जी का मकान थोड़ी है, हम सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब विदेश नीति, क्योंकि टाइम प्रोग्राम लेट शुरू हुआ है, मैं चाहता नहीं आप लोग भी बोर हो जाएं। विदेश नीति आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है नरेंद्र मोदी जी, जिनसे अपने देश की नीति तो संभल नहीं रही, विदेश नीति पता नहीं कैसे संभाली। और आप मत सोचिए कि इसका आप पे, ये हमारे जितिन जी ज्यादा बता सकते हैं, हमारे चुनाव का दुर्भाग्य है। और सर झुका के मैं बात कहना चाहता हूं कि विदेश नीति जैसा मुद्दा कभी चुनाव में नहीं आता, पर सबसे ज्यादा हमारे जीवन पे असर विदेश नीति का पड़ता है, क्योंकि एक कंपक्ट मोटी चमड़ी वाला मुल्क पाकिस्तान हमारे साथ जो सुधर रहे हैं। विदेश नीति का हम पे इसलिए असर पड़ता है, जितने व्यापारी बिजनेस करना चाहते हैं उनकी एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ता है, उनका जो जो सामान जो समुद्री जहाजों से चलना है उस पे फर्क पड़ता है, जो अरुणाचल ले लद्दाख में बैठे हैं हमारे भाई बहन उन पे असर पड़ता है। मैं त्यागी जी थोड़े ज्यादा मुझसे जोशीले प्रवक्ता हैं, थोड़ी बोलिए ज्यादा बोलते हैं, पर मैं एक बात कहता हूं,
जब विदेश नीति की बात आती है सिर्फ भारत माता जय कहने से नहीं पर्दा डलेगा, जवाब देना, आपको जवाब देना पड़ेगा कि टीवी पे आपकी नीति है पाकिस्तान को चीर देंगे और सही मायने में शादी में जाएंगे और वहां उनको खीर भी देंगे। अब पिक्चर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नो विजन ओनली टेलीविजन। पिक्चर रिलीज हुई है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अनुपम खेर, मेरा चमचा पता नहीं कहां रह गया, अनुपम खेर, हाँ। पिक्चर हुई, कोई और आदमी की पिक्चर पाकिस्तान में आ जाती उसको देशद्रोही कहते। इन्होंने वीजा लिया, स्पेशल परमिशन ली, पाकिस्तान में पिक्चर रिलीज करवाई और उस पर ट्वीट किया कि बाबा आज मेरी पिक्चर पाकिस्तान में रिलीज हो गई है। और यही बात अगर कांग्रेस कह दे तो देशद्रोह, आप पाकिस्तान जाइए। चीन ढोकला खा खिलवा के ढोकला ले गया। आप व्यापारी भी हैं, आप में से कुछ युवा भी हैं, एक इस देश का बहुत बड़ी विदेश नीति में एक चर्निंग आ रही है, उसे कहते हैं इंडो पैसिफिक ओशन। पहले अमेरिका का बोलबाका होता था समंदर पे, अब एक ये नया हिस्सा बन गया इंडो पैसिफिक ओशन, जिसमें हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एशियान के देश, मालदीव, श्रीलंका, सारा व्यापार आप चाहते हैं कि इस इंडो पैसिफिक के द्वारा। इसलिए नई संस्थाएं भी बनी जिसे कहा जाता है क्वाड। चीन और बाकी मुल्क एक युद्ध में है जिसे कहते हैं जो साउथ चाइना सी। इस पे कुछ भी असर होगा तो हमारे व्यापार पे असर। पर मोदी जी बस जफियां, पपियां, फोटो, कैमरा, फुल स्टॉप, बाय बाय, कोई बात ही नहीं। नेपाल जो हमारी तरफ आस लगाए देखता था, आज पूरा चीन का कब्जा है उस नेपाल पे। नेपाल का जब संविधान बना, नेपाल में कोई नीति होती थी भारत का उसमें एक हक होता। आज आप नेपाल जाइए, चीन के होटल, चीन के बिलबोर्ड, चीन की सड़कें। रूस, सबसे रूसिया सबसे पुराना हमारा दोस्त, आज पाकिस्तान के साथ एक आर्मी ड्रिल कर रहा है। बलूचिस्तान, जिसपे आज लाल किले पे मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों बलूचिस्तान पहुंच जाऊंगा, अपनी क्षेत्र वाराणसी तक तो पहुंच नहीं पा रहे, बलूचिस्तान पहुंच जाऊंगा। वो बलूचिस्तान में चाइना की सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये बातें हैं जो शायद हिंदू मुस्लिम की टीवी की इस लड़ाई में कहीं गुम हो जाती। और मैं माफी भी चाहूंगा, अपनी बात खत्म कर रहा हूं, डिबेट्स का स्तर बहुत गिर गया है। एक जहरीली एक खबरें है जो दी जाती है, फैलाई जाती है, तो जो भी बात आप डिबेट पे सुने, चाहे जिस पार्टी की सुने, अखबार या गूगल करके उसको क्रॉस चेक कर, बहुत क्रॉस चेक कर लीजिए। मुझे और मैं आते ही रस्ते में जितिन जी को कह रहा था सन 2019 के बाद लोग डिबेट देखना बंद कर देंगे। संदेश सब हो गया, संविधान, संस्थाएं कुचली गई, सीबीसी, आरबीआई और विदेश नीति। अब मैं अपने युवा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, भाइयों बहनों नहीं कहना चाहता, साथियों, राजनीति की बात, मैं भी पेशे से एक वकील हूं, चाहे आप घर से योगदान दीजिए, चाहे आप राजनीति में आइए, पर योगदान जरूर दीजिए। उसका एक कारण है, जब देश आजाद हुआ सन 1980 तक 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 164 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 40 की उम्र से नीचे थे, वो 90 तक आते आते आंकड़ा 100 तक रह गया, और जितिन जी मुझे करेक्ट करेंगे, आज 13% से नीचे, और फिर बुजुर्गों से हाथ जोड़ के एक युवा देश और एक बूढ़ी पार्लियामेंट। और ये मत सोचिए मैं अपनी टिकट पक्की कर रहा हूं, मेरे जितिन भाई कर देंगे, पर इसलिए युवा साथियों कहूंगा, जो हमारा ट्विटर एक्टिविज्म है, तो थोड़ा बाहर निकल के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब की दुनिया से भी आप थोड़ा योगदान दीजिए। एक आखिरी उदाहरण दूंगा, जब कानून कोई बिल आता है तो सरकार एक अखबार में निकालती है, फलाना बिल आ रहा है, आप इस पे सुझाव दीजिए, इसमें क्या क्लॉज होना चाहिए। पर आपको जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ 0.01% जनता अपने सुझाव लेके भेजती है, पर धरना देना हो, सब करना हो, युवा सबसे आगे होते हैं। तो आप युवाओं को है एक खत्म कहूंगा, कहते यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमां देखता है, पंख खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता, लहरों की तो
लहरों की तो फितरत होती है फड़फड़ाने की, मंजिल उन्हीं की होती है जो अपनी खुद की आंखों में तूफान देखता है। तो मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस को मुबारकबाद भी दूंगा, आप कंधे से कंधा मिला के हमसे जुड़ते रहिए। मैं चलता गया, ये कारवां बनता गया, क्योंकि 2014 का नारा था घर घर मोदी, 2019 में बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी।